बिग बॉस के घर में अब तक तेजस्वी और करण की प्यारी केमिस्ट्री ही नजर आ रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे फिनाले नजदीक आ रहा है, फिनाले की इस रेस में ये कपल एक दूसरे के आमने सामने खड़ा नजर आ रहा है। इस लवर्स के बीच आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर तकरार भरपूर देखने को मिल रही है, जिससे जनता को भी काफी हैरानी हो रही है। वहीं अब करण तेजू के बीच हो रही इस लड़ाई में दोनों के परिवार भी फंसते नजर आ रहे हैं और दोनों परिवार के लोगों के बीच गंदी लड़ाई होती नजर आ रही है। और ये लड़ाई तब शुरू हुई जब हाल के एक एपिसोड में करण ने तेजस्वी पर इस बात का गुस्सा निकाला कि वो करण के बजाय राखी की बात पर भरोसा कर रही है। जी हां, इस पर तेजस्वी भी भड़क गई और कहा कि वो उसके लिए ही लड़ेंगी जो उनका सपोर्ट करेगा। इस झगड़े के बाद करण काफी परेशान हो गए और पूरा दिन उन्होंने खाना तक नहीं खाया। इस घटना के बाद करण की बहन मीनू कुंद्रा ने तीखा ट्वीट किया है, जिस पर तेजस्वी प्रकाश के भाई प्रतीक को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने मीनू का नाम लिए बिना उन पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। जी हाँ, दरअसल करण को भूखा देखकर उनके एक फैन ने चिंता जताई। प्रांजल नाम के एक फैन ने करण की बहन मीनू कुंद्रा को ट्वीट करते हुए लिखा कि करण ने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया, उनकी चिंता हो रही है, क्या आप कुछ कर सकती हैं? इस पर बहन मीनू ने जवाब दिया, वो ठीक हो जाएगा, वो सिर्फ अपने सिस्टम से सारा कचरा और झूठा प्यार साफ कर रहा है ताकि करण नीति के लिए जगह बना सके। पर करण कुंद्रा की बहन का ये ट्वीट तेजस्वी प्रकाश के घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तेजस्वी प्रकाश के भाई ने करण की बहन को करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए और 10 बार सोचना चाहिए। तेजस्वी के भाई प्रतीक ने अपने लंबे ट्वीट में लिखा, वो अपने लोगों के साथ पहले दिन से खड़ी है और जब उसने खुद के लिए स्टैंड लिया तो लोगों ने उसे कूड़ा बता दिया, ये कहां तक जायज है, हमें ऐसी भाषा उपयोग करने से पहले सोचना चाहिए। तेजस्वी किसी की बहन है, किसी की बेटी है और करोड़ों लोग उसे प्यार करते हैं, कृपया एक दूसरे की इज्जत करें। वह एक तरफ करण तेजू के बीच मनमुटाव, तो वहीं जिस तरह से दोनों के परिवार के बीच भी तीखे तेवर अब नजर आने लगे हैं, उससे जनता हैरान होने के साथ साथ परेशानी में भी आ गई है और सवाल उठा रही है कि आखिर करण और तेजू के रिश्ते का आने वाले दिनों में क्या अंजाम होगा। क्या जिस प्यार की शुरुआत बिग बॉस 15 के साथ हुई, उसके फिनाले के साथ ही ये प्यार भी खत्म हो जाएगा और दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में।